श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। खास करके ये गुस्सा जब घर से बाहर आपके दफ्तर तक पहुंच जाता है तो स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने गुस्से पर आप काबू रखें। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो डॉक्टरों की सलाह लें। वहीं अगर किसी खास परिस्थिति के कारण गुस्सा आ रहा है तो इस स्थिति को आप निपटा सकते हैं। उसके मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। गुस्सा आने पर जहाँ पे आपको गुस्सा आया उस जगह से दूर जाकर लंबी और गहरी गहरी सांस लें। शरीर में सांस के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया को महसूस करें। इससे आपका ध्यान जो है वो गुस्से से हटकर सांस लेने पर चला जाएगा और उसी वक्त आपका गुस्सा जो है मेलो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा 1 से 10 तक की गिनती गिन सकते हैं। बड़ा ही सरल उपाय, जैसे गुस्सा आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 6 2 1 आप इस तरह गिनती कर सकते हैं। गुस्से में हम अक्सर कोई भी कदम उठा तो लेते हैं लेकिन बाद में उसके जो परिणाम होते हैं वो घातक होते हैं। इसलिए गुस्से में कुछ भी करने से पहले उसके होने वाले परिणाम के बारे में सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। फिर जब भी गुस्सा आए तो उसे वहीं पर काबू रखने के लिए 2 से 3 गिलास पानी पी लीजिए, घुट घुट करके पिए। वो पानी एकदम आपके तनाव को झटके से कम करेगा और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा आने पर शरीर में जो हार्मोन्स हैं उसमें कई बदलाव होते हैं जिनसे शरीर लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। उस समय शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को लड़ाई में लगाकर किसी अन्य काम में लगाएं, जैसे घूम आइए, व्यायाम कर लीजिए, डांस कर लीजिए, खेलें या कुछ अन्य काम कर लीजिए। इससे गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। परमानेंट जो क्योर है वो ये है कि आप सुबह उठिए, 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, क्योंकि ध्यान में वो ताकत है जो इंसान को बदल देता है। जब मेडिटेशन करते हैं ऑटोमेटिक आपका गुस्सा हल्का हल्का धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।